नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में ब्रह्मलीन महंत विजयनाथ पार्क में शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि कल शनिवार को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 1200 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिनका विवाह मुख्यमंत्री के समक्ष संपन्न होगा। इसमें शासन की तरफ से 51,000 का बजट होता है, जिसके तहत 35,000 लड़की के खाते में जाता है और 15,000 का सामान दिया जाता है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा, कल दिनांक 9 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में जो दिग्विजयनाथ पार्क है, वहाँ पर सुबह 11 बजे जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, उसके अंतर्गत लगभग अभी तक 1200 एप्लीकेशन आ चुकी है वेरीफाई होकर ब्लॉकों के माध्यम से। उनका जो विवाह है वो कल वहाँ पर संपन्न होगा। प्रत्येक जोड़े को जो शासन की ये योजना है उसके अंतर्गत 51,000 रुपये का बजट सेंक्शन होता है, जिसमें 35,000 रुपये जो कन्या है उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है और जो रिमेनिंग 16,000 है उसमें 10,000 का उनको जो है सामग्री दी जाती है और बाकी जो 6,000 है वो जो वहाँ पर व्यवस्था है उसके लिए कराया जाता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के अंतर्गत दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में संयोजक संजय सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के अंतर्गत हिंदी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो कि 4 दिसंबर से शुरू हुआ है और 9 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 40 बच्चे भाग ले रहे हैं जो कि अलग अलग महाविद्यालय से आए हुए हैं। इसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेताओं को मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस माध्यम से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर विक्रम को भूमिगत रहा तो महिलाओं का रहा कोमल नायक का दीजिए, जब चंद्रयान को असफल रहा सबसे जब मजबूत से कोई खड़ा रहा तो उस समय भारत की महिला खड़ी थी। उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि महोदय हम मांग से भट्टे हैं लेकिन कभी असफल नहीं हुए हैं। उस समय महिलाओं को याद कीजिए कि जब चंद्रयान थ्री सफल हुआ तो उस ताली को याद कीजिएगा, डीडी न्यूज पर जब चला था सबसे तेज ताली किसी का बजा तो महिलाओं का बजा था। ये है नारी शक्ति की पहचान थी महोदय। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कर रहे थे, सारा दुनिया हमको देख रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी हमको साउथ अफ्रीका से देख रहे थे। जब एक अध्यक्ष बोलते हैं सर वी आर ऑन द मून, तो एक भारतीय के अंदर वो क्या जज्बा होता है, क्या जुनून होता है। सब भारतीय, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई विद्यार्थी नहीं, सब एक भारतीय बन जाते हैं। हमने स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाया लेकिन 23 अगस्त को हम लोग अनुसंधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि वही हमारा पहचान है, वही हमारा संस्थान है। अंत मार्तन यही वाजपेयी की कुछ पंक्तियों से बात खत्म करना चाहूंगा। क्या जीत में, क्या हार में, कंचित नहीं भयभीत में, एक जो भी मिला वो मिला कर्तव्य पथ पे, हमको जो मिला वो सही मिला। और आज भी आज से मैं ये लिख दे रहा हूँ कि आज से 10 दशक बाद भारत यदि विश्वगुरु नहीं बना तो इस भारत की पहचान नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मेरा आज का विषय भारत की वैज्ञानिक मान चंद्रमा पे चंद्रयान। महोदय, विषय बड़ा ही विचारवान तब हो जाता है जब हम अपने वर्तमान की स्थिति को अपने इतिहास से जोड़ देते हैं। यहाँ पे मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को यह ज्ञात हो या ना हो, परंतु मैं आप सभी को यह बता दूं कि भारतीय हिंदू सनातन इतिहास में कईयों ऋषि मुनि ऐसे थे जो इस धरा पर बैठे बैठे ही अंतरिक्ष में घटित घटनाओं का भौगोलिक चित्रण कर सिद्धांत दुनिया को बहुत हजारों साल पहले ही दे दिया था। हम बात करें महर्षि भारद्वाज का, जिन्होंने वायु शास्त्र के जरिए वायुयान का सिद्धांत दिया हो, या महर्षि भास्कराचार्य का जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया हो, या भी बात करें वही महर्षि गर्ग का जिन्होंने इस धरातल पर बैठे बैठे अंतरिक्ष के नक्षत्रों का ज्ञान पूरी दुनिया का सिद्धांत पूरे हजारों साल पहले ही दे दिया था। संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए हिंदी भाषण प्रतियोगिता के संयोजक संजय सिंह ने कहा, महाराज और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति में संस्थापक सप्ताह समारोह जो 4 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक चलता है, उसमें हिंदी भाषण की प्रतियोगिता आज इस दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के सभागार में आयोजित हो रही है और बच्चे इसमें महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी से जो है आए हुए हैं। हिंदी भाषण की प्रतियोगिता है जी, कितने ये 10 दिसंबर तक रहता है। 10 दिसंबर को मुख्य पुरस्कार वितरण का समारोह होता है, यानी प्रतियोगिताएं 5 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक रहती हैं।
4 को उद्घाटन होता है और 10 को पारितोषिक वितरण होता है। सर कुल कितने बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें आज हिंदी भाषण के प्रतियोगिता में 40 बच्चे हैं, अलग अलग महाविद्यालय और यूनिवर्सिटीज से। 10 को सम्मानित भी किया जाएगा? हाँ हाँ, जो इसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको 10 दिसंबर के मुख्य जो महोत्सव है उसमें सम्मानित किया जाएगा। मैं संजय सिंह, संयोजक हिंदी भाषा प्रतियोगिता। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित महान दिग्विजयनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता के तहत एमपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर मैच खेला गया, जिसके संबंध में बास्केटबॉल प्रतियोगिता के कोऑर्डिनेटर वेद प्रकाश दुबे ने बताया कि इस प्रतियोगिता के अंतर्गत बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जो कि आज समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पुरस्कार वितरण 10 दिसंबर को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के उपसभापति हरवंश राय व मुख्य वक्ता के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना होंगे और पुरस्कार वितरण करेंगे। इसमें विजेता टीम को 75,000 व उप विजेता टीम को 50,000 और तृतीय विजेता टीम को 30,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। धीरे धीरे दर्शक बढ़ते हुए इस मैच का आनंद लेते हुए सभी दर्शकों का आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मुझसे मिले न जाए। इस संबंध में गौरव पुनी से बात करते हुए बास्केटबॉल के कोऑर्डिनेटर वेद प्रकाश दुबे कार्तिक राम ने कहा, इसमें आगरा और मेरठ के बीच तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच खेला जा रहा है, जिसमें अभी तीसरा चौथे क्वार्टर में आगरा ने 54-34 की बढ़त ले रखी है। आज मैच का आखिरी दिन है, 1:30 बजे से फिर फाइनल मैच स्टार्ट हो जाएगा जो वाराणसी और गोरखपुर के बीच खेला जाएगा। मैच के बाद मुख्य अतिथि द्वारा सभी टीमों को, निर्णायकों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार वितरण लगभग 3:30 बजे के आसपास मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा। 10 दिसंबर को भी सर कोई कार्यक्रम? 10 दिसंबर को तो खैर बहुत बड़ा कार्यक्रम भाई साहब, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी विजेता, उप विजेता और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को पुरस्कार एवं ट्रॉफी वितरित किया जाएगा। इसमें नगद राशि की भी जो प्रथम पुरस्कार पर प्रथम रहेगी उसको 75,000, दूसरे स्थान पर रहने वालों को 50,000 और तीसरे स्थान पर रहने वालों को 30,000। ये सारे सम्मान मुख्यमंत्री के हाथों द्वारा सभी टीम के कोच और कप्तान को दिए जाएंगे। अपना नाम और सरपंच? मेरा नाम वेद प्रकाश दुबे, कोऑर्डिनेटर बास्केटबॉल। सर कुल टीमें 8 टीमें आई थी जो 7-6 तारीख से चल रहे हैं कंटिन्यू, और 12 मैचेस और 2 सेमीफाइनल और 1 थर्ड प्लेस का और फाइनल मैच, पूरा 16 मैचें होने हैं। और आपका सेमीफाइनल में हमने आगरा को हराकर फाइनल में पहुंची है और गोरखपुर से हमारा फाइनल मैच है। तो सम्मानित किया जाएगा विजेता टीम को? सम्मानित में जो फर्स्ट पुरस्कार लिया जाएगा उसको 75 है, सेकंड को 50 है और थर्ड को। गोरखपुर जिला कारागार में ठंड को देखते हुए एक नई आशा संगठन द्वारा महिला बंदियों को कंबल सहित अन्य सामग्री वितरण की गई। इसमें दैनिक उपयोग में आने वाली हाइजेनिक कीट, साबुन, तेल, क्रीम एवं ऊनी मोजा आदि का वितरण किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ संस्था के संस्थापक सीमा छापड़िया द्वारा ओम चैटिंग एवं गुरु वंदना करके की गई। उसके बाद महिला बंदियों में से एक महिला बंदी सुमन ने स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया। इसी क्रम में महिला बैरक में चल रहे किड्स प्लांट प्लेवे में स्कूल के बच्चों द्वारा भी एक गीत की प्रस्तुति की गई। एक नई आशा के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य अत्यधिक भावमय एवं प्रसन्न हुए। संस्था के अध्यक्ष तन्वी अग्रवाल ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे ने अपने उद्बोधन में एक नई आशा संस्था द्वारा
द्वारा महिला बैरक में दिए गए सभी सामग्री की अत्यधिक प्रशंसा की एवं आश्वासन दिया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा के लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा। विशिष्ट अतिथि जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने कहा कि अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर आप द्वारा महिला बंदियों से मिलना एवं उनके उपयोग की चीज उन तक पहुँचाना सच्ची सेवा है। संस्था के संस्थापक आशीष छपड़िया ने मुख्य अतिथि के स्मृति चिन्ह प्रदान किया। वहीं गैलेंट समूह के श्यामा अग्रवाल जी ने विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस अवसर पर जेल सुप्रिंटेंडेंट दिलीप कुमार पांडे, जेलर अरुण कुमार कुशवाहा, डिप्टी जेलर कृष्णा, एक नई आशा के संस्थापक आशीष छपड़िया एवं सीमा छपड़िया, अध्यक्ष तन्वी अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वन विभाग द्वारा शहर के 15 पार्कों का चयन किया गया है, जिसके संबंध में डीएफओ विकास यादव ने बताया कि हम लोगों ने गोरखपुर शहर में 15 पार्क चयनित किया गया है। इसमें पार्कों की स्थिति एक जायजा लिया गया है। जिस पार्क में बाउंड्री वॉल है और जिसमें नहीं है वहां पर बाउंड्री करवाया जा रहा है और पौधारोपण करवाया जा रहा है, जिससे शहर में ग्रीन स्पेस बन सके। जो पार्क रह गए हैं और वहां पर पौधारोपण का कार्य करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए डीएफओ विकास यादव ने कहा, गोरखपुर शहर में हम लोगों ने 15 पार्क चयनित किए हैं और उन पार्कों में सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। जिस पार्क में बाउंड्री वॉल है वहाँ पर हम लोग वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। जहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है तो वहाँ पर बाउंड्री और चैनलिंग फेंसिंग लगाते हुए उसके बाद प्लांटेशन कार्य किया जा रहा है, जिससे कि ग्रीन स्पेसिस पूरे गोरखपुर जनपद में जगह जगह पर बनाई जा सके। इसके अतिरिक्त ही हम लोगों ने और भी जो पार्क रह गए हैं 15 और पार्क चयनित करने हैं हम लोगों को, और एक साल के अंतर्गत हम लोग उन पार्कों में भी गोरखपुर महानगर के एम्स थाना क्षेत्र के माड़ा पार कोनी फरेन नाला के पास 5 दिसंबर को मिली महिला की लाश की पहचान बिहार के गोपालगंज निवासी 28 वर्षीय आशा के रूप में हुई। पति नागेंद्र सिंह ने हत्या के बाद शव को गांव के प्रधान की मदद से कार से लाकर यहां फेंका था। पुलिस ने सोशल मीडिया पर फोटो वायरल किया था, जिसे देखकर कुशीनगर के एक शख्स ने जानकारी दी। आशा का मायका कुशीनगर जिले में तरया सुजान के रामपुर बंगरा गाँव में है। वहाँ यहाँ के कमल सिंह की बेटी थी। एम्स पुलिस ने गोपालगंज पुलिस को सूचना दी है, वहां पर दहेज हत्या का केस दर्ज है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को एम्स इलाके के कोनी के पास पुलिस ने अज्ञात महिला का शव बरामद किया था। गला कसकर उसकी हत्या की गई थी। पहले ही दिन पुलिस को आशंका थी कि हत्या करने के बाद शव को लाकर फेंका गया है। इसी बीच बृहस्पतिवार दोपहर में एक युवक ने पुलिस से संपर्क किया। एम्स पुलिस को उसने बताया कि आशा की फोटो है और उसका मायका व ससुराल भी बता दिया। गोपालगंज पुलिस को एम्स पुलिस ने फोटो भेजा और फिर उसकी पहचान आशा के रूप में होने के बाद मायके से संपर्क कर उन्हें बुलाया गया। गोपालगंज पुलिस भी गोरखपुर आ रही और पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट लेकर जाएगी ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। आशा की शादी 2 दिसंबर 2022 को नागेंद्र सिंह उर्फ बंटी सिंह से हुई थी। आरोप है कि दहेज के लिए पति सहित ससुराल वाले आशा को प्रताड़ित करते थे। उन्होंने उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद 4 दिसंबर की रात में माड़ा पार फरेन नाला के किनारे शव फेंक दिया था। उधर बेटी के गायब होने के बाद पिता ने पति सहित अन्य ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए गोपालगंज जिले के थावे में केस दर्ज कराया था। इस संबंध में एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि महिला के शव की पहचान गोपालगंज बिहार की आशा के रूप में हुई है। गोपालगंज पुलिस ने इस मामले में दहेज हत्या का केस दर्ज किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना एम्स में 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी उस समय पर शिनाख्त नहीं हो पाई थी। तत्काल शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। शव की जो फोटोग्राफ्स थी उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान हेतु प्रसारित किया गया था। इसी के चलते उस महिला की पहचान कुशीनगर की रहने वाली आशा देवी के नाम से हुई थी, जिसकी शादी गोपालगंज बिहार में
कुछ वर्ष पूर्व हुई थी। इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा आकर के शव की शिनाख्त की गई। गोपालगंज बिहार में इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई वहीं से की गई। गोरखपुर महानगर में पेडलेगंज से नौकायन तक के मार्ग को नो वेंडिंग जोन बनाने के लिए बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी अभियान चलाकर ठेले खोमचे वालों को हटाया गया। कार्रवाई एसपीसीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई और जीडीए के सचिव यूपी सिंह के नेतृत्व में की गई। आपको बता दें कि जीडीए द्वारा पेडलेगंज से नौकायन तक करीब 2400 मीटर लंबी सड़क को नो वेंडिंग जोन बनाया जाना है। सड़क के दोनों तरफ किसी भी प्रकार का ठेला, फूड वैन आदि नहीं लगेगा। इसके लिए बुधवार से अभियान चलाया जा रहा है। दूसरे दिन जीडीए और पुलिस पूरे दलबल के साथ पहुंची और सड़क के किनारे ठेले खोमचे लगाने वालों को हटाते हुए दोबारा न लगाने की चेतावनी दी। नो वेंडिंग जोन में लगी दुकानों को दिग्विजयनाथ पार्क ताल बाजार के पास शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए 106 आवंटियों को दुकानें आवंटित की गई। अभियान 9 दिसंबर तक चलेगा। कार्रवाई के दौरान जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह, अधिशासी अभियंता नरेंद्र कुमार, सहायक अभियंता कुंजी बिहारी, राज बहादुर, यशवंत सिंह, अवर अभियंता डी एन शुक्ला, मनीष त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। नोट कर लीजिएगा, आपकी भी जिम्मेदारी है गोरखपुर को स्वच्छ रखना। हटाइए यहाँ से, हटाइए और पीछे ले जाओ। दीवाल में सटा लो, लंबा लंबा ठेला दीवाल में सटाइए। अरे तो रास्ते बढ़ाओ, देख लो यहाँ पे ठेला नहीं लगेगा किसी भी हालत में। यहाँ से हटाइए, इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए एसपीसीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में कि गोरखपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए और आम जनता को किसी प्रकार के जाम ना लगे और उसको राहत देने के लिए जनपद की गोरखपुर पुलिस द्वारा एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के मुख्य चौराहे हैं उनके ऊपर जो भी अतिक्रमण करके जो लोग लगाए गए हैं उनके द्वारा और नगर निगम के सहयोग से सारे जाम को हटाया जा रहा है। इसमें जिन लोगों ने आगे दुकानें बढ़ा के रखी है उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जो लोग इलीगल रूप से पार्किंग करते हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और जो भी ई रिक्शा और इस तरीके की जो व्हीकल है जो अनरेगुलेटेड रूप से शहर में चल रहे हैं उन सबके खिलाफ एक वृहद अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अभियान के माध्यम से लोगों को काफी सहयोग मिलेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा और लोगों को राहत भी मिलेगी। एक नया चार मुख्य चौराहे जो शहर के हैं जिनमें मोदीपुर, विश्वविद्यालय चौराहा, टीपी नगर एवं काली मंदिर जो तिराहा है वहां पे भी लेफ्ट लेन फ्री कराने के लिए भी जीडीए के सहयोग से शहर के जाम को। गोरखपुर जिले के नंदापार गांव में भूमि विवाद में थाने पहुंचे भाजपा नेता को दरोगा ने थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद हंगामा कर रहे नेता के साथ ही विपक्ष के एक व्यक्ति का शांति भंग में चालान कर दिया। पार्टी नेताओं के सूचना देने पर पहुंचे एसपी साउथ ने दोनों पक्ष को समझाकर शांत कराया। सीओ की रिपोर्ट पर देर रात एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आरोपी दरोगा आनंद कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। आपको बता दें कि नंदापार गांव के पवन कुमार गौड़ भाजपा किसान मोर्चा पिपरौली मंडल के पूर्व अध्यक्ष हैं। गांव के सत्य नारायण गुप्ता से भूमि विवाद पर कब्जे को लेकर विवाद चलता है। 10 दिन पहले पवन ने इस भूमि पर सरसों बो दिया। इसकी शिकायत थाने पर पहुंची। मामले में पुलिस ने बुधवार की दोपहर दोनों पक्षों को बुलाया। थाने पर बातचीत के दौरान दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। भाजपा नेता का आरोप है कि थाने पर तैनात दरोगा आनंद कुमार ने उनको थप्पड़ मार दिया। इसकी जानकारी उन्होंने पार्टी स्थानीय नेताओं को दी तो तभी सभी लोग थाने पहुंच गए। मामले की जानकारी एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को हुई तो उन्होंने एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह व सीओ खजनी को थाने भेजा। दोनों अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा देकर भाजपा नेताओं को शांत कराया। देर रात एसएसपी ने दरोगा आनंद कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए लगातार सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार करें, अनुशासन में रहें और मेरिट के आधार पर कार्रवाई करें। जहां भी इस तरह की कमियां पाई जाती हैं वहां पर तत्काल कार्रवाई की है। इसी के चलते अनुशासनहीनता
के तहत एक सब इंस्पेक्टर को थाना कजरी से पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया गया है और जांच किया गया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश में सड़क के किनारे अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अनुक्रम में गीडा थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में 900 चौराहे पर पैदल गश्त कर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क के किनारे बेतरतीब खड़ा किए गए चार पहिया वाहनों की तलाशी ली गई और वाहनों में लगे काली फिल्म उतरवाई गई। साथ ही सड़क के किनारे ठेले खोमचे लगाने वाले दुकानदारों को चेतावनी देते हुए सड़क पर अतिक्रमण न फैलाने के प्रति जागरूक किया गया। सुन रहा हूँ ना, आगे क्या आ रहा है सर? ऐसा नहीं है, अपने परिवार से वही बात, हमें आपके कोई सिक्का सिखा दी, लेकिन ये रोड के किनारे नहीं, रोड खाली छोड़ दीजिए, रोड पे नहीं आना है आपको। दुकान जाओ उसके बराबर में राष्ट्र और उसके नागरिकों की सेवा में सतत सजग प्रहरी के रूप में तैनात क्षेत्रक मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर के द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार मोटे अनाज के प्रति जागरूक करने के लिए शुक्रवार को मिलेट्स प्रदर्शनी का आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। आपको बता दें कि मिलेट को हिंदी में मोटा अनाज कहते हैं, जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार, कांगनी आदि शामिल है। इन मोटे अनाज के अंदर भारी मात्रा में फाइबर, खनिज के साथ कई आवश्यक पोषक तत्व शामिल होते हैं। मोटे अनाज को दुनिया भर में व्यापक तौर पर उगाया जाता है। कार्यक्रम की शुभारंभ अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मिलेट एक ऐसा अनाज है जिसे खराब मिट्टी और कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगाया जा सकता है। ऐसे में यह भारत के उन हिस्सों में एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत बन सकता है, यहाँ पर अन्य फसलें नहीं पनप पाती। इसके अलावा मिलेट्स में भारी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। मिलेट एक सूखा प्रतिरोधी फसल है, जिससे कि किसानों को भी कम नुकसान होगा। इस अवसर पर एसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार ने कहा, ये पहल एसएसबी गोरखपुर ने किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 मनाया जा रहा है, उस क्रम में उन्होंने ये प्रदर्शनी रखी है, जिसमें मिलेट्स और उससे जो प्रोडक्ट्स होते हैं मिलेट्स के, उसको जानकारी करने के लिए लोगों को, खास करके फोर्सेज में इसका बढ़ावा देने के लिए, जानकारी देने के लिए एक प्रदर्शनी की है, जिसमें स्थानीय किसानों को बुलाया है और उनके प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रदर्शनी हो रही है। मिलेट्स की क्या लाभ है ये आप जानते ही हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, और उसी क्रम में हम सभी लोग इस प्रोडक्ट को, मिलेट्स क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करें, इसके लिए हम लोग सब प्रेरित हैं। आज मैं बधाई देता हूँ, उसी कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग आज एसएसपी के इस विशेष कार्यक्रम में के माध्यम से सब लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं,
कि मिलेट्स को अपने फूड हैबिट्स में इंक्लूड करें और इसके जो लाभ हैं, हेल्थ इंपैक्ट जो है, जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है, न्यूट्रिशनल इंपैक्ट है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम सभी लोग को उठाना चाहिए।